अपन गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आ गए हैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेके। और देखिए ब्लॉग में हाय कर दो मम्मा। हाय, हेलो। तो अभी हम अपने लैंडर पे आए हुए हैं, थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं और बानू को भी थोड़ी सी धूप सेका लेते हैं और फिर चल जाएंगे बच्चे। वाओ, तो बोलो हाय। मैं गई थी अपने माइक के और फिर माइक के से आई हूँ कल या परसों, परसों आए थे हम लोग। और बानू से मैंने आपको नहीं मिलवाया था तो आज मिलवा देती हूँ। बानू जय माता, मस्त कर दो माँ, मस्ती जी। तो बहुत ही ज्यादा शरारती होगी आजकल। तो कैसी है मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आई होप सब ठीक ही होंगे। और इसने मेरे कान में लगा दी, टाटा कर दो टाटा। और आप, बढ़िया धूप लगी हुई है। हाँ, बहुत जबरदस्त धूप लगी हुई है और सर्दियाँ ऑलमोस्ट आ ही गई हैं, बस बर्फबारी का इंतजार है अब हमारे हिमाचल में। और उसके बाद ट्विस्ट का एक जो सैलाब है जोरदार, वो भी आ ही जाएगा वैसे। हालांकि मतलब ऑलमोस्ट जो हमारी देवभूमि हिमाचल है उसमें जो है 12 के 12 महीने लगा ही रहता है रस टूरिस्ट का। लेकिन फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी चला हुआ है हमारा प्रदेश। तो अभी आप लोग जो घूमने के लिए आ रहे हैं थोड़ा सा ठहराव करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है आम जनता को ही हो रही है। तो टूरिस्ट को तो अभी ऐसी बातें होगी होगी, चेकिंग हो रही है बीच बीच में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मतलब जाम लग जाता है उन वजहों से भी। और रोड भी बन रहे हैं हमारे हिमाचल में, तो उस कदर तब जाके मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा आप डिले करें अपने टूर को। ताकि अभी मैं गई हुई हूँ अपने गांव वाले घर और वहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमने जो है नई सब्जियाँ लगा दी हैं, तो पापा जी ने यहाँ पे साग वगैरह लगाया हुआ है, बैंगन है, अदरक है, सरसों का साग है, मटर वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो धान और मक्की हम लोगों ने खेतों से निकाली थी तो उसमें से थोड़ी सी रह गई है, तो इनको अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो धान से फिर चावल निकालेंगे और मक्की का हम लोग आटा बना लेंगे। तो आज हम डिनर में बनाने वाले हैं सरसों का साग और मक्की की रोटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत से लोगों की ये फेवरेट भी होती है। तो उससे पहले मैं गई थी गांव वाले घर, मैंने आपको बताया भी, तो घास था वहाँ से लाने को, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से घास ले आते हैं। तो देख लीजिए इतनी सर्दी में भी, अभी हालांकि इतनी ज़्यादा सर्दी तो हुई नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो हो गया है ठंड का माहौल। तो यहाँ मैं घास लेके आई थी और दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि घास हमारा बहुत ज़्यादा दूर है और मम्मी और पापा भी वहीं पे हैं। तो बानू को छोड़ा है बानू के पापा के पास, तो जल्दी जल्दी से ले आती हूँ, मैंने भी यही सोचा था। तो पापा ने और मम्मी जी ने घास रखा हुआ था, सिर्फ मैंने लाया ही। और फिर मैं आ गई थी गांव वाले घर से अपने ऊपर वाले घर को। और आज बन रहा है सरसों का साग, मैंने आपको पहले भी बोला कि आज डिनर में सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई जाएगी। तो बहुत दिनों के बाद आज ये डिश खाई जाएगी और सच्ची बात बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। देसी घी में अगर साग को अच्छी तरह से तड़का लगा लेंगे तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सरसों भी हमारे अपने ही घर की है, कोई हमने दुकान से तो लाई नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और साग मैंने उबाल करके रख दिया है। तो अब जल्दी जल्दी से तड़का भी लगाएंगे और तड़के में मैं डालूँगी प्याज, अदरक वगैरह, हींग, सब कुछ जो जो मसाले मेरे पास हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके फेवरेट हैं ये डिश या नहीं है, साग और मक्की की रोटी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सामान हमने रखा हुआ है। तो ये जो बेड वगैरह हैं, ये जहाँ पे हमने अपनी नई दुकान खोली है वहाँ से निकाले हुए हैं। तो अभी इनकी थोड़ी सी देखते हैं कि ये कहाँ पे काम आ सकते हैं। और अपने कमरे की हालत भी मैं आपको बता दूँ, सीरियसली जैसा है मैं आपके साथ वैसा ही शेयर करूँगी, तो बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत सफाई इसकी भी कर लूँ। और मैं मायके गई हुई थी और बच्चों का घर है, तो सच्ची में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बानू का सामान इधर से उधर, अभी भी देख लीजिए क्या कर रही है। थोड़ी देर पहले लेंटर पे थी और फिर लेंटर से आ गई है नीचे को, जहाँ देखिए इसके कपड़े ही कपड़े हैं कपड़े। वाओ क्या हुआ, मस्ती कर दो मस्ती कर दो मस्ती कर दो मामा। तो अभी पूरा का पूरा सामान उथल पुथल है, मुझे सारा का सारा सामान एक जगह सेट करना पड़ेगा। देख लीजिए कहीं बानू का सामान इधर है तो कहीं उधर है। तो ये हमने बानू के लिए गिफ्ट लाया था जो कि बहुत ही प्यारा है, जो मुझे पहली नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और जैसे ही पसंद आया मैंने बानू के लिए ले भी लिया था। तो देखते हैं अब जल्दी जल्दी से सफाई कर लेते हैं, जब तक बानू के पापा बानू को संभाल रहे हैं, और फिर देखते हैं आगे का काम। फिर मुझे जाना है गांव वाले घर और फिर वहां से कुछ साग सब्जी वगैरह लानी है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई देख लीजिए इन दोनों को, ये मुझे कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं। और हाँ, मुझे आपके साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी जो मैंने अपने दिमाग से निकाल दी थी टोटली। तो अभी मुझे ध्यान आया है कि आपके साथ मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करनी है जो कि पतिदेव ने मुझे गिफ्ट करी हुई है। वैसे तो मैंने इसका अलग सा ब्लॉग बनाना था लेकिन मैंने नहीं बनाया, मैंने सोचा कि यहीं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। फिर बात को ऐसे बढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता कि फिर एक दो दिन और लग जाएंगे ब्लॉग बनाने में कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो भाई करवा चौथ पे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पतिदेव ने तो मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। सभी पति अपने अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं लेकिन पतिदेव ने मुझे दिया है कि नहीं दिया है, दिया इतना बड़ा गले में दिखाओ इसको। तो भाई वो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी बात की करवा चौथ के दिन, दिन तो नहीं दी मतलब उसके थोड़े दिन बाद दी है। तो अभी दो चार ही दिन हुए हैं तो पतिदेव ने मुझे बहुत ही अच्छी एक गिफ्ट दी हुई है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो पहले तो मैं ये दिखा दूं कि ये जो मैंने मंगलसूत्र डाला हुआ है ये भी मुझे पतिदेव ने ही गिफ्ट करा हुआ है। तो ये शायद पिछले साल लिया था ना, शायद पिछले साल लिया था करवा चौथ पे या कब लिया था, हाँ करवा चौथ पे या जन्मदिन पे मुझे इन्होंने दिया था। और अब की बार जो है इन्होंने मुझे करवा चौथ पे एक चेन गिफ्ट करी हुई है जो कि इस तरह की है। आपने देखी होगी मेरे गले में, मैंने पहले कभी नहीं डाली हुई ये चेन, सिर्फ आज या जब मैं मायके से आई थी तब भी मैंने ये डाली हुई थी। तो ये गोल्डन की चेन इन्होंने मुझे गिफ्ट करी हुई है। तो इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगा, हालांकि सिलेक्ट तो मैंने खुद ही की हुई थी कि हाँ ये मुझे यही लेनी है, पर ली इन्होंने ही है तो मुझे बहुत प्यारी आई। और मैंने जो है अपनी जो पुरानी चेन थी वो मैंने इसमें मतलब ऐड कर दी थी, मतलब उसमें थोड़े से पैसे मैंने और डाले पतिदेव ने, और बोला कि थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं तो इस तरह की मैंने ली हुई है। बिल्कुल सिंपल सी चेन है और इसमें ये डिज़ाइन लॉकेट इस तरह का है। तो ये गिफ्ट करी हुई थी करवा चौथ वाले दिन तो उन्होंने देने थे लेकिन उस टाइम ली नहीं थी, उसके बाद ही ली हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ, अभी मैं देख रही थी ऐसे जस्ट सफाई कर रही थी तो मेरे ऐसी मेरी नज़र पड़ गई, ये तो मैंने डाली ही नहीं है। और उससे पहले भी इन्होंने मुझे एक पायल का जोड़ा गिफ्ट किया हुआ है तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो पेच वाली पायल है जो कि मेरे पास पहले नहीं थी और फिर मैंने वो भी ली हुई है और अब की बार मैंने ये चेन ली हुई है। तो भाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिज़ाइन मुझे इसका लगा। और आप लोग भी बताना मुझे कमेंट करके कि आपको ये अच्छा लगा डिज़ाइन या नहीं। तो बानू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ना।
तो भाई चलिए कर लेते हैं साफ सफाई, और आपके लिए कुछ और ब्लॉग भी हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वाला ब्लॉग। बाकी मोरबी में जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात है ये, भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। बाकी हम आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग लेके आएंगे बहुत अच्छा, और फिलहाल इतना ही है मेरे पास। अभी मुझे जाना है गांव वाले घर, तो वहाँ से भी मैं थोड़ी सी क्लिप्स कैप्चर करके लाऊंगी और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी मक्के की रोटी और सरसों का साग आप लोगों को कैसा लगा है और लगता है तो मुझे बताना जरूर, और ये मेरी चेन भी मुझे बताना जरूर। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और इस देखिए इस बेटी को कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इसको डर नाम का कोई पता ही नहीं है कि डर क्या होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इसने जो मैं तैयार लगाई थी कपड़ों की वो भी इसने पूरी कर दी है। और चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।